नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज कवर करेंगे सारे के सारे लोक नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें याद हो जाएं। देखिए, मेरा पर्पज यही होता है, अगर आप हमसे हमारे पास चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पर्पज यही होता है कि हम एक बार में ही चीजें आपको सिखा दें और मोस्टली चीजें आपको याद हो जाएंगी एक ही बार में। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जहां जरूरत होगी आपको ट्रिक और टेक्निक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक चीजें आपको याद हो जाएंगी। मैं आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछूंगा और डेफिनेटली आप उसका जवाब खुद ही दे पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चेराव नृत्य, इसको बांस नृत्य या बैंबू डांस भी बोला जाता है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मिजोरम का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है और काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एसएससी तो डेफिनेटली यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। आप यहां पर देख रहे हैं महिलाएं डांस कर रही हैं और ये नीचे बांस रखे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बैंबू डांस बोला जाता है। तो मिजोरम में खुल्लम खुल्ला मतलब खुल्लम डांस है और एक चेराव डांस, इसको बांस नृत्य भी बोलते हैं। ये दोनों काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं मिजोरम की। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, रम, मिजोरम में है रम, अगर कोई रम पी लेता है वो भी खुल्लम खुल्ला, ठीक है, मतलब सबको दिखा के, तो कोई ना कोई दोस्त जो है बता देगा आपके घर पे कि भाई साहब रम पी ली है तो क्या होगी, कुटाई होगी, किससे होगी, बांस से होगी। तो रम नहीं पीनी चाहिए खुल्लम खुल्ला, क्योंकि घर पे अगर पता चल गया तो बांस से कुटाई होगी। इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे और याद हो चुका है, अब आप भूलेंगे नहीं इसको। काल बेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो काल बेलिया जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और हर बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो राजस्थान के बाकी के अगर हम लोक नृत्य देखें, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेट को उठा रहा हूँ और हर एक स्टेट से रिलेटेड जितने भी लोक नृत्य होंगे एक ही बार में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर हमने कुछ यूनियन टेरेटरीज भी लिए हैं जहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो राजस्थान में देखेंगे तो भवाई बहुत पूछा जाता है, काल बेलिया काफी ज्यादा आता है, घूमर, झूलन, सुईसिनी, कठपुतली नृत्य, चक्री, तेरा ताली, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये राजस्थान का पहले आप घूमर याद कर लो, वो आपने गाना सुना होगा घूमर रे घूमर रे, तो उसको याद रखना वो कहाँ का है, घूमर वाला मतलब सॉन्ग याद रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको झुमरा बताऊंगा, फिर मैं आपको घूमर बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये घूमर है, आप सॉन्ग याद रखना और राजस्थान वाला इसको याद रखना, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कठपुतली नृत्य, तो मैंने यहाँ पर कठपुतली लगा दी, ये कहाँ का, राजस्थान की है। और सुई सीनी, अब कठपुतली के आप ड्रेस देखेंगे ना, तो इसको किस चीज से सिला जाएगा, तो सुई से ही तो सिला जाएगा ना, बनाया जाएगा, तो सुई सीनी, तो कठपुतली की जो ड्रेस बनी है वो सुई सीनी, सुई से सिल करके बनाई गई है, तो सुई सीनी कहाँ का हो गया, राजस्थान का। कठपुतली नृत्य कहाँ हो गया, राजस्थान का हो गया। और घूमर, अब ये घूमेगी भाई, कठपुतली का जो प्रोग्राम होता है उसमें कठपुतली नाचती है, घूमती है, फिर उसको झूला भी झुलाते हैं, तो झूलन भी हो गया, है ना, तो इस तरह से फिर वो गोल गोल चक्री की जैसे नाचती है, तो चक्री भी हो गया। तो इस तरह से आपको सारे याद हो चुके हैं, राजस्थान का भवाई है, काल बेलिया है, घूमर है, झूलन है, सुईसिनी है, कठपुतली है, चक्री है, तेरा ताली। और जब कठपुतली का प्रोग्राम हो जाता है तो सारे मतलब जितने भी लोग होते हैं, भले वहां 13 लोग बैठे हैं, सारे के सारे क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, तो तेरा ताली, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे राजस्थान के सारे लोक नृत्य आपको याद हो चुके हैं, अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आप अपने आप से पूछ करके देखिए क्या याद हुए कि नहीं। सुआ नाच किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो सुआ नाच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ के बाकी लोक नृत्य की बात भी हम करेंगे, सबसे पहले सुआ नाच के बारे में जान लीजिए। सुआ नाच में स्त्रियां तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस नृत्य में स्त्रियां तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं, या ऐसे भी पूछा गया कि सुआ नाच में स्त्रियां किसकी तरह अभिनय करती हैं, तो तोते की तरह अभिनय करती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। और कितनी महिलाएं ये नृत्य करती हैं, 36, इस तरह से याद रखना है, एग्जैक्टली कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन याद रख लो सुआ नाच कितनी महिलाएं करती हैं, 36, इस तरह से याद रखिएगा। राउत नाच, पंडवानी, पंथी, सैलान नृत्य और ककसार, ये सारे ही कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, इस तरह से याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र का है तमाशा, तमाशा तो काफी ज्यादा फेमस भी है और मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। देखिये लावणी ये सबको पता होता है कि ये महाराष्ट्र का है और एग्जाम में पूछा भी जाता है,
लेजिम तमाशा कोहली, अब विराट कोहली कहाँ रहते हैं भाई, महाराष्ट्र में रहते हैं, कोहली कोहली कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। तमाशा मतलब चलचित्र वगैरह, मतलब सिनेमा से रिलेटेड जो तमाशे वगैरह होते हैं मोस्टली कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में, बॉलीवुड से रिलेटेड, इसको याद रखिए। लावणी सबको पता होता है और लेजिम याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र का है। इस तरह से आपके सारे महाराष्ट्र के कवर हो गए जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, गोटीपुआ जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। इसके अलावा मयूरभंज का छऊ, ठीक है, मयूरभंज का छऊ घुमरा, अभी मैंने आपको घूमर बताया था, ठीक है, वो गाना सुनाया था आपको घूमर रे, ठीक है, वो घूमर राजस्थान का था, कहाँ का था, राजस्थान का था, लेकिन ये घूमरा है, ये उड़ीसा का है, कहाँ का है, उड़ीसा का है। गोटीपुआ है कंधेई, कंधेई कठपुतली नृत्य होता है एक तरह का इसका नाम, लेकिन कंधेई है। कोया रणप्पा कीसाबादी, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दलखाई नृत्य हो गया, चैती घोड़ा और रंगाबाती, ठीक है, ये सारे ही कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। कुछ नृत्य आपको दो तीन बार पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सारे नृत्य के लिए ट्रिक बनाना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, इसलिए कुछ आपको ऐसे याद, जैसे ये तो ये बड़ा सिंपल है, मयूरभंज का छऊ, घुमरा कहाँ क्या हो गया उड़ीसा का, और घूमर कहाँ क्या हो गया राजस्थान का, गोटीपुआ इंपॉर्टेंट है बार बार आता है उड़ीसा का, कंधे याद रखिए, कोया रड़प्पा कीसाबादी ऐसे याद रखिए, कोया रड़प्पा कीसाबादी, दलखाई चैती घोड़ा रंगाबाती, है ना, दो तीन बार पढ़ेंगे चीजें आपको डेफिनेटली याद होंगी। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ईबुक को आप परचेस करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ईबुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है, साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ईबुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ईबुक्स की रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर राउस की बात करेंगे, तो राउस कहां का है, ये जम्मू कश्मीर का है, कहां का है, जम्मू कश्मीर का है, और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप कैसे याद, इस जम्मू कश्मीर के सारे याद कराऊंगा, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए जमुरा, ठीक है, क्या याद रखेंगे जमुरा, तो जम्मू कश्मीर का क्या हो गया राउस, यही पूछा ही जाता है सबसे ज्यादा। फिर भांड पाथेर, पहले आपको याद होगा पहले कश्मीर में काफी घटनाएं आती थी कि वहां पर पत्थरबाजी हो गई, पत्थरबाजी, तो भांड पाथेर कहाँ होती थी, जम्मू कश्मीर में, और जब पत्थर चलेंगे तो धूल भी उड़ेगी, तो धूमल भी यही कथा, ठीक है, दुम हाल, लेकिन जैसे ही आर्मी आती थी लोग दुम दबा के भाग जाते थे, है ना, तो इस तरह से दुम हाल, लोग कूद कूद के पत्थर चलाते थे, है ना, लोग अपनी हिफाजत करने के लिए भाग जाते थे जैसे आर्मी आती थी, तो कुछ ना कुछ आप स्टोरी बना सकते हो, आपको चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन अभी सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं, है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। राउस को कैसे याद रखेंगे, जमुरा, भांड पाथेर, धूमल, दुमहाल, कुद या कुड भी लिखा मिल जाए आपको तो समझ जाइएगा वही है, और हाफिजा, ये सारे कहां के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, बार बार रिपीट होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ जाएंगे आगे, दक्षिण भारत के किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं, ये एसएससी में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इस नृत्य को क्या कहते हैं, इसको करगट्टम नाम दिया गया है, ये करगट्टम नृत्य है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मैंने प्रश्न सेट किया है एकदम ऐसे ही एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखेंगे, रिपीटेड प्रश्न है, करगट्टम तमिलनाडु का एक पुराना लोक नृत्य है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है करगट्टम। थेयम किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो थेयम किस राज्य का है प्रसिद्ध लोक नृत्य, केरल का है, कहीं कहीं पे आप कभी कभी आपको तेयम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं तेयम हो जाता है, कहीं थेयम लिखा हुआ मिल जाता है, तो केरल का है, केरल का अगर उत्तम थुलाल पदयानी थेयम, ठीक है, मलयट्टम या मोर जैसी पोशाक पहन के किया जाता है, और भद्र कवि इंपॉर्टेंट है केरल के, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, उत्तम थुलाल पदयानी थेयम मलयट्टम, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ जाते हैं आगे, होजागिरी इस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, होजागिरी, होजागिरी जो है ये त्रिपुरा का है, कहाँ का है, त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का है होजागिरी, और ये रियांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। कावड़ी अट्टम, कावड़ी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कावड़ी अट्टम जो है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मलई अट्टम भी याद रखिएगा, मलई अट्टम, देखिए ऐसा भी होता है, आप कंफ्यूज मत होइए कि सर अभी तो आपने मलई अट्टम बताया केरल में, अभी आप तमिलनाडु बता दे रहे हैं, तो देखिए ऐसा होता है, एक लोक नृत्य कई जगह किया जाता है, छऊ आप ले लोगे तो आप उड़ीसा में भी देखोगे, आप झारखंड में भी देख लोगे, पश्चिम बंगाल में भी आपको मिल जाएगा, है ना, जब दो तीन राज्यों की सीमाएं आपस में जुड़ी होती है तो एक ही लोक नृत्य कई स्टेट्स में किया जाता है, इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको जो ऑप्शन होगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो मलई अट्टम कहाँ गया है, तमिलनाडु में भी है, ठीक है, कावड़ी अट्टम याद रखिएगा, और कावड़ी अट्टम में युद्ध के देवता भगवान मुर्गन की श्रद्धा भक्ति में किया जाने वाला कावड़ी अट्टम
नृत्य होता है, तो आप ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी, कजरी तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है। कजरी कहाँ का है? यूपी का है। यूपी में नौटंकी भी होती है, थोरा, झोरा, कजरी, ठीक है। ये कहाँ के हैं? सारे यूपी के, यूपी के बड़े आसान है, सभी को याद होते हैं। छोलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छोलिया जो है ये उत्तराखंड का है, और इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है यदा कदा। छोलिया कहाँ का है? उत्तराखंड का है। वह नृत्य कौन सा है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे हुए बर्तन के ऊपर, बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं? आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दी ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो सके। इस नृत्य को धुनुची नाच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुनुची। एक मैंने आपको बताया था, वो सिर पर रखती है, रखती हैं, ठीक है, डांस करती है, उसको करगट्टा बोलते थे। लेकिन ये वाला है कि आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आग से भरी हुई सामग्री जो होती है, बर्तन जो होते हैं, उनके साथ नृत्य किया जाता है, इसको धुनुची नाच बोला जाता है, और ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न यही पूछा गया था, इस डांस को बोलते क्या है? इसको धुनीची बोलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कहाँ का है, तो आप बता दीजिएगा, वेस्ट बंगाल में किया जाता है। चू फाट ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चू फाट जो है ये सिक्किम का है। क्या है? सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। अब इसको ऐसे याद रखो, मान लीजिए आपके पास कोई नोट है, 100 रुपए का नोट है, गलती से वो फट गया, ठीक है। अब आप उसको, अब गलती से फट गया तो भाई जाहिर सी बात है उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 100 रुपए का नोट है तो 80 रुपए में चलेगा, तो क्या हो गई? कम हो गई कीमत। कैसे कम हो गए? गलती से नोट फट गया तो कीमत क्या हो गई? कम हो गई। अब ऐसा नहीं 100 रुपए का नोट फट गया तो चलेगा ही नहीं, भाई चल जाता है, ठीक है, बट्टे पे चल जाता है। चू फाट और मारुनी। अब उस फटे हुए नोट से आप मारुति नहीं खरीद सकते क्योंकि वो कम है। तो इस तरह से याद रखेंगे, सिक्किम, चू फाट, मारुनी, क्लियर। भांगड़ा, ये तो सबको पता है, पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्दा दो ही पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है, लिख दिया मैंने क्योंकि जरूरी है। शोंडोल ये किस राज्य फिर यूनियन टेरिटरी का लोक नृत्य है? शोंडोल की हमने बात की है, तो ये लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है। शोंडोल और जबरो भी लद्दाख का ही है। कुछ स्पेशल नाम है, आपको एकदम देख के ही याद हो जाने चाहिए। शोंडोल और जबरो कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। देकनी मांडी ये किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा। भाई हर किसी ख्वाहिश होती है हमको गोवा देखने को मिले, गोवा के बीच पे जाए, है ना, गोवा वाली बीच पे, है ना, वो क्या देखनी है, सबको देखनी है भाई साहब, तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि भाई हम गोवा जाए। अच्छा गोवा के बाकी देखते हैं, फुगदी, पुनबी, धनगर, भाई धन होगा तभी तो जाओगे ना गोवा, इस तरह से याद रखो। समाई, लैंप डांस, रात को लैंप डांस इस तरह से करना है जाके गोवा में। तरंग मेल, अरे मन में तरंग उठने लगती भाई साहब गोवा पहुंचते ही। देखनी है वहां पे, देखनी क्या देखनी है भाई? गोवा की मंडी देखनी है, गोवा की मंडी देखनी है, इस तरह से याद रख लो। फुगदी, कुनबी नृत्य, धनगर, और ये क्या है? ये नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाह समुदाय के द्वारा किया जाता है धनगर। और समाई है, लैंप डांस है, तरंग मेल है, देखनी है, कहीं कहीं पे देखनी भी लिखा हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। मांडी, ये सारे कहाँ के हैं? गोवा के। यक्षगान किस राज्य का बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रसिद्ध लोक नृत्य? यक्षगान, इसको मैं याद करवा देता हूँ भाई, कभी नहीं भूलोगे, भूल ही नहीं सकते, मैंने आपको याद करवा देना है, देखना कैसे भाई। यक्षगान, अच्छा आपके स्कूल में प्रोग्राम होते होंगे कभी कभी, और आपको भी कहीं स्टेज पे बुला लिया जाता होगा। बहुत सारे ऐसे लड़के होते जो डांस नहीं कर पाते भाई साहब, है ना, गाना वाना गा लेते, क्योंकि गाना कैसे गा लेते भाई, सभी बाथरूम सिंगर हैं। तो आपके स्कूल में प्रोग्राम था, स्टेज पे आपके दोस्त ने आपको बुला लिया, अब आपको करना है क्या? या तो गाना गाना है या तो डांस करना है, तो आप नहीं, नाटक करना है, ठीक है, क्या करना है? नाटक करना है या फिर गाना गाना है, तो आप क्या करोगे? नाटक करोगे कि गाना गाओगे? तो आप कहोगे भाई मैं गान कर लूंगा, नाटक नहीं करूंगा। तो कर्नाटक, यक्षगान याद हो चुका है आपको, ठीक है, भूलने की जरूरत नहीं, आप भूलोगे भी नहीं। नाटक करोगे कि गान करोगे? तो यक्षगान करेंगे, नाटक नहीं करेंगे। बयालता, भूतदा कोला, ढोलू, ठीक है, ढोलू कुनिथा, लांबी, ये सारे कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं। और भूतदा कोला, पता ही चल रहा है, कोला कोला कोयला, है ना, गर्म कोले पर चल, इसमें चला जाता है इस वाले डांस के अंदर। अगला अगर देखेंगे, मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी मध्य प्रदेश का है। आप देख रहे हैं मटकी इस तरह से रखी हुई है इन्होंने सर पे, और उसको बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस कैसे? बीच में मटकी रखी, मटकी के ऊपर जस्ट मटकी, किनारे नहीं रख सकते, गिर जाएगी ना। तो मध्य प्रदेश, मटकी कहाँ का हो गया? मध्य प्रदेश, क्योंकि मटकी के ऊपर जो मटकी है ना एकदम मध्य में रखते हैं, तब जा करके वो बैलेंस होती है। तो मटकी, जवारा, माच, ग्रीडा, ये सारे कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। माँ से माच, माँ से मटकी, फिर ग्रीडा और फिर जवारा, याद रखिए मध्य प्रदेश के हैं। कड़ासा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। कड़ासा बार बार पूछा जाता है, कड़ासा झारखंड के। और देखेंगे तो बिरहोर है कड़ासा। कड़ासा महिलाओं द्वारा कलश के साथ में किया जाता है। फिर कर्मा है, झीका दशहन है, ये संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है।
और झारखंड में छऊ भी, उड़ीसा में भी छऊ होता है, झारखंड में भी छऊ होता है ना। तो छऊ झारखंड में, अगर आपको एग्जाम में उड़ीसा ना दिया हो तो आप झारखंड टिक कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जेलियांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जेलियांग जो है वो नागालैंड का है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो लेशा लपतू है, जेलियांग है, चांगसांग है, रेंगमा है, खैता है। तो इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, लेशा लपतू, जेलियांग, ठीक है, और चांगसांग और रेंगमा। अब ऐसे याद रखते हो तो नाक क्या होता है, रेंगता है ना, तो रेंगमा कहाँ का हो गया, यही का हो गया। पर आप खुद भी बना सकते हैं अक्सर, आप अब खैता लिखा है, सांप अक्सर कहाँ रहते हैं, खेत में रहते हैं, है ना। खेतों में आप जाएंगे देखेंगे काफी, आप तो सांप वगैरह खेतों के किनारे मिल जाते हैं, है ना। तो खेतों में क्या, जब सिंचाई की जाती है तो खेतों में क्या होता है, पानी भर जाता है, जेलियांग यानी जल भर जाता है। और जब पानी भर जाता है खेतों में तो क्या, सांप निकल करके रेंगने लगते हैं, ठीक है, सांप निकल करके रेंगने लगते हैं। इस तरह से आप कुछ भी स्टोरी क्रिएट करके आप भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जब भी कोई चीज याद ना हो ना, ट्रिक बनाओ, टेक्निक बनाओ, अपने आप से बनाओ, बेस्ट याद होती है, ठीक है। मैं खुद भी यही करता हूँ, बनाने को इसका भी बनाया जा सकता है, ठीक है। पढ़ते हैं आज वैसे आगे, अपासी पुंग की, ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। अजी लामू पासी कुंग की पुनुंग पोपीर टप्पू, ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। अजीलामू पासी कोंग की पोनुंग पोपीर टप्पू, ये कहाँ के हैं, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। किस राज्य में चाय के बागानों में झुमुर, ठीक है, देखिए झुमुर आया है, ये बहुत पूछा गया और जैसे मैंने प्रश्न बनाया ऐसे ही आया है कि किस राज्य में चाय के बागानों में झुमुर नाम का लोक नृत्य किया जाता है? तो झुमुर जो है ये असम का है, कहाँ का है, असम का है, ठीक है। तो बिहू, भावना, झुमुर, सतरिया, सतरिया तो आपको पता ही, ये लोक नृत्य नहीं है, ये तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसको लोक नृत्य की श्रेणी से हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन याद रखिए कि सतरिया कहाँ का है और ये तो आपका पता ही है, ये शास्त्रीय नृत्य है, तो याद से याद रख लो। तबल चोंगली और नटपूज, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं, कहाँ के हैं, असम के हैं, ठीक है। बिहू, भावना, झुमुर, तबल चोंगली, नटपूज, ये कहाँ के लोक नृत्य है, असम के हैं, और सथरिया क्या है, असम का, ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बहुत पूछा जाता है, बिहार का है, कहाँ का है, बिहार का है झिझिया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा झिझिया पूछा जाता है। झिझिया है, जाट जाटिन है और बिदजिया है, ये कहाँ के हैं, ये सारे बिहार के लोक नृत्य हैं। लाई हरोबा ये सबको पता होता है, मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता है याद रख लो, मणिपुर का है लाई हरोबा, कहाँ का है, मणिपुर का है। और पुंगा चोलम भी किया जाता है और जागोई भी मणिपुर में किया जाता है। लाहो, लाहो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अच्छा, कभी कभी देखो बारिश नहीं आती, एकदम सूखा सा पड़ जाता है, तो सब लोग कहते हैं ये भगवान मेघ लाओ, क्या लाओ, मेघ लाओ पानी गिराओ, तो मेघ मेघालय, लाओ लाहो है ना, मेघ लाओ और पानी गिराओ ताकि सूखा खत्म हो जाए। तो याद रखिएगा मेघालय का मेघ लाओ, इस तरह से याद रख लो, लाहो कहाँ का है, मेघालय का है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध, डांडिया के बारे में तो आपको पता ही है, कहाँ का है, गुजरात का है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पर पूछा जाता है गरबा, डांडिया, हल्ली सा का, ये वाला याद रख लीजिएगा, हल्ली सा का। धमाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? धमाल कहाँ का है? तो धमाल जो है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, हरियाणा का है। और याद रखिए, अच्छा एक चीज ये पूछी जाती है, हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धमाल, ठीक है, कौन सा है, धमाल। लूर, लूर भी यहाँ का है, सांग भी यहाँ का है, और डाफ भी यहाँ का है, और खोरिया, खोरिया भी हरियाणा का है। तो हरियाणा के ही लोक नृत्य है लूर, सांग, डाफ, खोरिया और धमाल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तारपा किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तारपा है दादरा नगर हवेली, ठीक है, कहाँ का है, दादरा नगर हवेली का है। अभी तो दमन और दीव भी इसमें जुड़ चुके हैं, तो दादरा नगर हवेली, दमन, दीव कहाँ का है, ये तारपा यहाँ का है, ठीक है। अब किस राज्य में बौद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए छम लोक नृत्य किया जाता है? ऐसे ही डायरेक्ट एसएससी में प्रश्न पूछा गया था, जैसे मैंने लिखा हुआ ऐसे ही प्रश्न पूछा गया। छम कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है छम, जो कि बौद्ध संप्रदाय के लोगों को द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, और ये प्रश्न हर बार एसएससी पूछ ही लेता है, तो याद रखना। नाटी और छपीली ये भी कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। ढिमसा, ढिमसा आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, ढिमसा आंध्र प्रदेश का है, ढिमसा आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कुलट्टम, वीथी भागवतम, कुंभी, घंटा मर्दाला, ये कहाँ के हैं, सारे आंध्र प्रदेश के हैं। ढिमसा,
ढिमसा कुलट्टम विधि भागवतम, ऐसे याद, देखो दो तीन बार पढ़ो, ढिमसा कुलट्टम विधि भागवतम कुंभी घंटा मर्दाला, इस तरह से पढ़ लो, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते, कोलकली किस राज्य या फिर यूनियन टेरेटरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कोलकली, कोलकली जो है ये आपका लक्षद्वीप का है, कोलकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। और इसके अलावा लावा नृत्य भी लक्षद्वीप में किया जाता है, कोलकली और लावा नृत्य जो है ये लक्षद्वीप में किए जाते हैं। गराडी, 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 ये गराडी कहाँ का है? गराडी पुदुचेरी का है। गराडी कहाँ का है? गराडी पुदुचेरी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? पुदुचेरी का है। गवरी नाम का लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही उठा लिया। और ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, गवरी नाम का ये लोक नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, तो ये राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस तरह से याद रख सकते हैं। वैसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया था किस राज्य का, आज सीधा ये पूछा गया था कि गवरी नाम का जो लोक नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति, और भील जनजाति मोस्टली राजस्थान में पाई जाती है। और किस शास्त्रीय नृत्य के अध्यापक को नट्टू नवार के नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, भरतनाट्यम के शिक्षक को नट्टू नवार के नाम से जाना जाता है। और जब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो सब लोग छोड़ देंगे, लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि आपको पता चल गया इसके बारे में, और ये पूछा गया है, एसएससी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैंने ऐसे हवा में नहीं लिया ये प्रश्न, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, भरतनाट्यम में जो शिक्षक होते हैं उनको नट्टू नवार कहा जाता है, और भरतनाट्यम में जो विषय होता है वो महाभारत और रामायण है। आकर्षक स्वांग या फिर मुखौटा ये मतलब किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये कथकली में जो है स्वांग या मुखौटा का उपयोग किया जाता है, ये भी एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, फिलहाल मैं शास्त्रीय नृत्य कवर नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ लोक नृत्य कवर किए थे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे प्रश्न ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊं, ऐसा नहीं है कि आठ शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन सा किस राज्य का हो गया, बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, नहीं और भी चीजें पूछी जाती हैं, कौन सा नृत्य पीतल की थाली में किया जाता है, मुखौटा नृत्य जैसे मैंने कथकली के बारे में बताया है, ठीक है, शंकर महादेव किससे रिलेटेड है, इस तरह से प्रश्न काफी सारे पूछे जाते हैं शास्त्रीय नृत्य से। तो वो सारे ही प्रश्न एक वीडियो में मैं कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, इस वाले प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि बताइए भाई, चेराव नृत्य, इसको बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अब देखते हैं इसका आंसर आपको कमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, याद हुआ है या नहीं याद हुआ, इसी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना अवेलेबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।